मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज का ब्लॉग एक स्पेशल सरप्राइज के साथ रहेगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ हैं, ना ही इस बात से कि परिस्थितियाँ कितनी नजर आ रही है। फर्क बस इससे पड़ता है कि आप किस रास्ते पे आगे हमेशा बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज हम लोग पटना की ओर निकल रहे हैं कुछ सरप्राइजेस के साथ हैं। आगे जाकर के आप लोगों को वीडियो के आगे आप लोगों को पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, आगे मिलते हैं। वीडियो कंटिन्यू रहेगी, फिर आगे मिलते हैं, आगे क्या क्या सरप्राइजेस रहती है। अभी हम लोग यहाँ पे पीछे गांव है, सीधे सीधे से रास्ता से आ रहे हैं। आगे की इससे आगे बढ़ जाएंगे पटना हम लोग। अभी मेरे चारों तरफ खेत ही खेत है, नज़र आ रहा है आपको। मॉर्निंग का टाइम है और पीछे एक बड़ का पेड़ है। जबकि यहाँ पे रुक करके सोचे कि थोड़ा सा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि आज क्या होने वाला है और आगे जो सरप्राइज होगा वो सरप्राइज के साथ साथ आपको पता चलेगा, वो आगे जाके पता चलेगा। अभी मैं अपने गांव से निकल चुका हूँ। ये रही मेरी अन्नू बाबा, स्कूटी बाबा, और इसी से मैं आया। इसको अभी रिसीव किया हूँ और इसके बाद अब आगे पटना के लिए निकल रहे हैं हम लोग। यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर है और आगे जाकर के आप लोगों के पास एक सरप्राइज है। तो चलिए मिलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है आज। हाय गाइस, जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे वहाँ पे हम लोग आ चुके हैं कैमरा वगैरह लेने के लिए। और इन्हीं सर के पास से हम लोग कैमरा लिए हैं। तो वैसे कैमरा तो हम लोग ले चुके हैं, बिल भी बना चुके हैं। इसका अनबॉक्सिंग आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। पर सर से जान लेते हैं, यहाँ पे आने के लिए आप लोगों को जो एड्रेस मेंशन करना होगा हम कर देंगे। पहले सर से जान लेते हैं एड्रेस वगैरह। ये है दरियापुर में पटना कॉलेजिएट स्कूल के सामने, खेतान मार्केट के पास। खेतान मार्केट के पास। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है हृदयेश रायचौधरी। सबका नाम रायचौधरी, पटना। ठीक है गाइज, हाय गाइज, एक्चुअली ये वीडियो GoPro 9 अनबॉक्सिंग वीडियो पे बनेगा। और साथ में थोड़ा सा एक चीज़ जानकारी देता हूँ इसी वीडियो में कि आज से ट्रिप ऑन हो चुका है। सो अब जितने सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले जो ब्लॉग्स होंगे जो आपको नोटिफिकेशन के अनुसार आपको पता भी चल सके। जबकि बता दूँ कि यहाँ बैग रेडी हो चुका है ट्रिप के लिए, पैकिंग हो चुकी है और थोड़ा मेरा सामान अभी पैकिंग करना बाकी है। तो थोड़ा सा इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद, मैं पैकिंग करने के बाद फिर आज और वैसे भी आज यहाँ से निकलना भी है मैं घर से। तो सबसे पहले GoPro 9 जो मैंने लेकर के आया था उसको अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ, अनबॉक्सिंग वीडियो बना लेता हूँ, उसको जानकारी देता हूँ अनबॉक्सिंग में क्या क्या निकलता है बॉक्स में। तो देखता हूँ GoPro 8 में एक्चुअली ये सारा प्लास्टिक में पैक रहता था, बट यहाँ GoPro 9 में एक छोटा सा बॉक्स और जिसमें कि ये सारा चीज़, वाह, एक छोटा कैमरा, एक्शन कैमरा GoPro 9 जो कि डबल स्क्रीन के साथ है। चलिए इसको थोड़ी देर पहले देखते हैं। और इसके अलावा क्या क्या है इसमें, एक चार्जर पॉइंट की टाइप सी है और A1 बैटरी, वन माउंट, एक स्क्रू ड्राइवर एंड एक एक्स्ट्रा माउंट जो कि इसमें लगा करके आप यूज़ कर सकते हैं GoPro। चलिए, और इसके साथ साथ में यहाँ पे आपको मैनुअल कार्ड वगैरह दिया हुआ है। चलिए, इन सभी का तो काम नहीं है। अब देख लेते हैं GoPro 9 को ओपन करके, पहले इसमें बैटरी लगा लेते हैं। बैटरी लगाने के लिए आपको ध्यान देना होगा, ये जो यहाँ पे है इसको ऊपर की ओर खींचने पर थोड़ा ऊपर आएगा, देखिए ध्यान से, और उसके बाद आगे की ओर कर देना। फिर इसमें बैटरी लगाने के लिए जिधर ये GoPro लिखा हुआ है उधर ही ये GoPro लिखा हुआ होना चाहिए, उसके बाद ये आसानी से अंदर चला जाएगा।
फिर इसको ऐसे अच्छे से लगा दे। चलिए ओपन करके देखते हैं। ओपन करने के लिए ऑन बटन यहाँ पर। और इसमें स्टैंडर्ड आपको शायद वीडियो में ज़्यादा लाइट शो कर रहा होगा, टाइम लैप्स, वीडियो एंड फोटोज, ये सारा फीचर्स है। ये मैंने पहले ही ओपन करके देख चुका हूँ। और इसमें जब ओपन आप कीजिएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लैंग्वेज सेटिंग, जीपीएस सेटिंग एंड कुछ मैनुअल चीज़ आएगा जो कि आपको सेटिंग करना पड़ेगा। सो ओपन करने के बाद ये रहा फ्रंट स्क्रीन, जो कि ये मेरा मोबाइल है जिसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसमें एक चीज़ अच्छी बात है, पहले इसको ऑफ कर देगा। इसमें एक चीज ऐसी बात है कि आप लेंस को अगर कुछ प्रॉब्लम आता है लेंस में तो आप इसमें ओपन करके इस लेंस को चेंज भी कर सकते हैं। ये GoPro 8 में नहीं था जब लेंस कुछ प्रॉब्लम आ गया तो आपको पूरा कैमरा चेंज करना पड़ता था, बट इसमें वो चीज़ नहीं है, आप लेंस चेंज कर सकते हैं। फिर लग गया, पहले इसको स्टिकर को हटा दें। ये एक और एक ये बैक कर रहा, वाह सब पूरा क्लीन। ये रहा नीचे का स्क्रू जिसमें आप लगा करके आप लेबल में यूज कर सकते हैं। चलो रखते हैं साइड में। अब देखते हैं एडवेंचर किट में क्या क्या है। ये रहा हैंड बंगल और ये एक माउंट, इसमें भी एक स्क्रू दिया हुआ है जिसे कि आप माउंट में यूज करके लगा सकते हैं। ये एक और माउंट दिया हुआ है, इसको साइड रखते हैं। इसमें कैमरा लगा के टेस्ट कर लेते हैं पहले। इसको बाहर निकालना है दोनों को, इसे ऐसे करना है, फिर इसमें स्क्रू इसका फुटेज मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ कैसा इसका फुटेज रहता है। पहले इसको रखते हैं साइड में। एक मैंने एक्स्ट्रा बैटरी भी मैंने लिया था जो कि लगभग 1800 का पड़ा था, 1800। इसमें वन एक्स्ट्रा बैटरी। इसमें एक चीज़ ऐसी चीज़ है कि ये 720 mAh की है, जबकि GoPro 8 में कम mAh का बैटरी था और ये 1720 mAh की बैटरी है, क्योंकि उससे ये 30% ज़्यादा टाइम कवर करेगा। सो इसको भी अब साइड में रखते हैं। एक वैसे कैमरा में भी एक बैटरी दिया हुआ था, एक एक्स्ट्रा मैंने अलग से लिया। तो चलिए कुछ फुटेज देख लेते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कैमरा का वीडियो कैसा होता है और फुटेज कैसा होता है। और एक चीज़ और, जहाँ से मैंने ये कैमरा और किट्स लिया था, जिस शॉप से मैंने लिया था, वो भी इसी वीडियो में मेंशन रहेगा। तो देखते हैं अब आगे से जो भी वीडियो शूट होगा इस GoPro 9 से होगा। सो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और हाँ बेल बटन दबाना।